नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच और महिलाओं पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर अक्सर फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठते रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में महिला आर्टिस्ट की एंट्री और काम करने को लेकर अक्सर कहा जाता है कि मेल एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। फिल्म में कलाकार को इंडस्ट्री में काम तो मिलता है, लेकिन अलग अलग शर्तों के साथ। 2017 और 2018 में मीटू मूवमेंट के साथ देश विदेश के कई फीमेल कलाकारों ने इंडस्ट्री में हो रहे यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। अब हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। इन दिनों हर तरफ हेमा कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा है, जिसमें हुए खुलासे के बाद साउथ सिनेमा के कई बड़े नाम खतरे में पड़े हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट क्या है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा ही आरोप लगते हैं कि इंडस्ट्री में महिलाओं को काम देने के बदले उनसे कई बार अनैतिक डिमांड की जाती है। उनसे फिजिकल फेयर मांगे जाते हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जाता है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट लाई गई है। महिला कलाकारों से होने वाली अनैतिक मांगों को लेकर इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा से जुड़े हर बिंदु पर रिसर्च के लिए 2019 में रिटायर्ड न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। कमेटी का प्राथमिक कार्य मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाली यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों को जांच करना और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उपायों का प्रस्ताव करना था। समिति के जरिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों द्वारा फेस किए जाने वाले मुद्दों पर अध्ययन किया गया और यौन उत्पीड़न, शोषण, दुर्व्यवहार संबंधी जरूरी डिटेल्स की जानकारी दी गई। मूल रूप से हेमा कमेटी रिपोर्ट का यही काम है। अभी तक केरल सरकार की ओर से हेमा कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 के चलते 19 अगस्त को केरल सरकार के 4.5 साल बाद 233 पत्रों की ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जारी करना पड़ा है। मलयालम सिनेमा में महिलाओं की स्थिति को जारी करने वाली इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे कम से कम 17 तरह के शोषण का खुलासा हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं को गुजरना पड़ता है। इसमें लेडीज टॉयलेट, चेंजिंग रूम जैसी सुविधा ना होने के साथ वेतन में भेदभाव और काम के बदले फिजिकल रिलेशन की डिमांड जैसे तमाम तरह के शोषण का जिक्र किया गया है। हेमा कमेटी का गठन 14 फरवरी 2017 के एक केस के बाद किया गया था। दरअसल 14 फरवरी 2017 को मलयालम फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस अपनी कार से कोची की ओर जा रही थी, तभी उनका अपहरण कर लिया गया और उन्हीं की कार में उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री की फीमेल कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जुलाई में केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। दरअसल हाल ही में सामने आई हेमा कमेटी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा के कई महिला कलाकारों ने बयान दिया है, जिन्होंने माना है कि फिल्मों में भूमिका के लिए उन्हें इंडस्ट्री में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ समझौता करना पड़ता है। इस रिपोर्ट ने मलयालम सिनेमा के पुरुष निर्माता निर्देशकों का महिलाओं के प्रति गलत नजरिया देखने को मिला है। रिपोर्ट से पता चला है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं से गलत फेयर मांगे जाते हैं और उन पर शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव डाला जाता है। जब महिलाएं इसके लिए तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें निर्माता निर्देशक कोड वर्ड्स भी दे देते हैं। हेमा कमेटी को करीब 5 साल बाद जारी करने को लेकर काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। कई लोगों ने इसे शर्मनाक और शॉकिंग भी बताया है। इस बात पर नाराजगी भी जाहिर की है। 5 साल तक उनसे सच को छुपाए रखने की कोशिश की गई। हालांकि केरल सरकार का तर्क है कि ये जानकारी बेहद संवेदनशील थी। मामले को गोपनीयता संबंधित चिंताओं को देखते हुए इस संवेदनशील जानकारी को अब तक पब्लिक नहीं किया गया था। यही नहीं, खुद जस्टिस हेमा ने केरल सरकार को पत्र लिखा था और सरकार से कहा था कि इस संवेदनशील रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। बहरहाल आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।